कौसर का जहां में खुश आमदीद। आज हम चिकन के सेक कबाब बनाएंगे, आपने खाए होंगे। इसके लिए हमने आधा किलो बोनलेस या हमने चिकन लिया है, यानी ब्रेस्ट पीस लिया है। उसके साथ साथ हमने चार पांच हरी मिर्चें ली हैं, ये चार पांच हरी मिर्चें हैं हमारे पास, और इसको हम ग्राइंड करेंगे। एक चम्मच हमारे पास ये अदरक का पाउडर है, ये हमने डाला है। हाफ टी स्पून जो है वो गरम मसाला है, ये हम डालेंगे इसके अंदर। इसको हम ग्राइंड करेंगे। देखिए हमारी सारी चिकन जो है वो तैयार हो गई है, हमने पीस ली थी। अब हम इसको निकालते हैं। देखिए कहते हैं हमारी चिकन जो है वो पीस गई है। इसके बाद हमने पीस लिया, इसमें जो है हाफ टी स्पून जो है वो हम नमक डालेंगे। ब्रेड क्रम्स डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम अपने जो है वो सीख कबाब तैयार करेंगे। इसमें क्या तकरीबन एक चम्मच जो है हम ये सीख कबाब का जो है मसाला डालेंगे, और उसके बाद जो है वो इसको मिक्स करके अब इसके हम सीख कबाब बनाएंगे। ये कबाब जो है हम तवे पर ही करेंगे, बाद निकाल कर इसको हम फ्राई करेंगे। मज़ेदार सीख कबाब हमारे हमने तैयार कर लिए हैं। इनको इसमें सीख लगाकर इसको हमने तैयार किया है, ताकि जब हम सीख लगाकर तैयार करते हैं तो इस बिल्कुल कहती है अंदर से अच्छी तरह से सिक जाते हैं। तो ये हमने तैयार कर लिया। अब इसको थोड़ी देर हम फ्रिज के अंदर रखेंगे और फिर इसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए हमारे सीख कबाब जो है वो फ्राई हो रहे हैं। कम पसंद करते हैं तो कम डाल दीजिए। ये देखिए हमारे सीख कबाब तैयार हो गए हैं, मज़ेदार लजीज। ये चटनी है, हरी चटनी है, प्याज है, और ये सीख कबाब और रोटी। आप भी जल्दी से जाइए, मंगाइए और बनाइए लजीज मज़ेदार सीख कबाब। चिकन के सीख कबाब हैं हमारे पास। अब हम जो है वो इसको थोड़ा सा मोश फरमा कर आपको बता देंगे कैसे मज़ेदार बने हैं। लजीज तो बने हैं, खैर ये तो मुझे पता है। मज़ेदार लजीज, तो जाइए बनाइए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर आइंदा नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।